ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय में क्या हम एक ब्लैकआउट का सामना करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि इस समय देश में और हमारे राज्यों में भी, तमाम राज्यों में मतलब, जगह जगह ये जो बिजली की कटौती चल रही है, और ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि कोयला बहुत कम पड़ा, मतलब कम बचा है हमारे पास, तो क्या हम ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो कि और ये सोचने वाली बात यह है कि क्या ब्लैकआउट ओरिजिनल होगा कि इसको लाया जाएगा, और जैसा कि ये भी वो है कि पावर ग्रिड्स पे कुछ इफेक्ट की वजह से, या सन के इफेक्ट की वजह से, या पोलर शिफ्टिंग की वजह से, या इस अर्थ की शिफ्टिंग से क्या इसका असर पड़ेगा जिससे पावर ग्रिड्स फेल होंगे और नाम जो है कोयले का आएगा। इन सभी चीज़ों को हमें मतलब एक्सेप्टेंस के साथ, मतलब गलत वे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इन सब को अच्छे से जान के, समझ के, क्लियर होके तभी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इसको माइंड प्रोग्रामिंग के रूप में खेलते हैं और ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जनता जो है उसी के नाम पर उसी को समझे, उसी को जाने जो वो दिखाएं। क्योंकि जैसे मीडिया में भी है, मीडिया में भी एक प्रोग्रामिंग ही चल रही है, वो वही चीज़ दिखाते हैं जो कि वो जनता को दिखाना चाहते हैं, और ओरिजिनल चीज़ें उनके जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सर्च करना चाहिए। मेरा कहना बिल्कुल मत मानिए न, और अपनी चीज़ों को बिल्कुल लगातार सर्च करिए जिससे सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है और कहीं कहीं हो भी रहा है कि ब्लैकआउट हो रहा है। और जैसा मैं कहता ही हूँ कि ये क्या है, ये उस न्यू ऑर्डर में जो सेट किया जा रहा है सब कुछ रीसेट करके, ताकि वो किस लिए होता है, वो कंट्रोल, कंट्रोल किस लिए है, ताकि हाँ लोगों को गुलाम बनाया जा सके और अपने अनुसार चलाया जा सके। क्योंकि जब लोग ऊर्जावान होंगे, मजबूत होंगे और आत्मनिर्भर होंगे, तो उनको तो गुलाम बनाना आसान नहीं है, वो तो हर चीज़ का जो है विरोध कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, उसके लिए लेकर के वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ दी जाएगी, उनकी सारी की सारी इकोनॉमी को, उनके फूड हो, उसको सबको क्राइसिस करा दिया जाएगा, उनको इकोनॉमी को क्राइसिस करा दिया जाएगा, क्रैश करा दी जाएगी इकोनॉमी, और उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह जाएगी, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, ये सब चीज़ों के बाद में वो, इन सब चीज़ों के बाद आदमी जो है वो उनके प्लान्स के अनुसार चलने को मजबूर हो जाएगा। यही वो चाहते हैं, यही वो कर रहे हैं, और इसके लिए मैं लगातार इसको एक्सपोज करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ, और इसके लिए आम जनमानस को खड़े भी होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि इस समय हमें क्या चाहिए कि हमें अधिक से अधिक हम परमात्मा से कनेक्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, योग करें, जिससे जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को का जो सर्वशक्तिमान पिता है, परमात्मा है, उसकी ऊर्जा हमको मिले, और हम जो है इन सब जो चीज़ें हैं इनका हमारे ऊपर ये बेअसर हो जाएं, हम सुरक्षित और संरक्षित हो सकें, नवनिर्माण में सहायक हो सकें। तो और क्योंकि जब उसकी ऊर्जा, मतलब पावर हाउस है वो, सारी पावर उसी के पास है, तो जब हम उससे कनेक्ट होंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उससे अनुसार अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि हम अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट रहें, जिससे हमें उसकी कृपा की अनुभूति होती रहे, और हम इस मकड़ जाल से, माया जाल से, प्रबंध से बाहर निकल सकें, और जो चेतना हमारी बाहर जगत में फंसी हुई है वो अपने भीतर उतर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।